बस ये 3 से 4 लहसुन की कलियां आपके दांतों को मोतियों की तरह चमका देंगी। अगर आप भी अपने गंदे पीले दांतों से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ एक ऐसा बेहतरीन पेस्ट जिसके इस्तेमाल से आप अपने दांतों को मोतियों की तरह सफेद व चमका सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने मुंह की गंदी बदबू को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में लोग अपने गंदे पीले दांतों से काफी ज्यादा परेशान हैं, जिसके चलते वो तरह तरह के केमिकल प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं और तरह तरह के ट्रीटमेंट कराते हैं, जिससे कि उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पाता। और ज्यादातर ये परेशानी उन लोगों को होती है जो लोग गुटखा, बीड़ी, तंबाकू आदि का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उनके दांतों पे कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं और उनके दांत काफी ज्यादा गंदे दिखने लगते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का ये जो नुस्खा है वो आपकी इन सभी समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको लेनी होगी कुछ इस प्रकार से एक खाली कटोरी, और इसके अंदर पहली चीज का जो इस्तेमाल करना है वो दोस्तों आपके घर में और आपके नजदीकी दुकानों पर बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाता है, वो है दोस्तों कोलगेट। दोस्तों, कोलगेट अमीनों की भरपूर मात्रा से मिलकर कर बना होता है। ये आपके दांत को सफेद बनाता है और आपके मुंह से गंदी बदबू को दूर करता है। तो आपको करना क्या होगा, आपको मात्र इतना सा कोलगेट इसके अंदर ऐड कर लेना है, जितनी मात्रा में मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको कुछ इतनी सी मात्रा में कोलगेट का इस्तेमाल कर लेना है। अब आपको इसके अंदर दूसरी चीज का जो इस्तेमाल करना है वो है दोस्तों हमारा ये नमक। दोस्तों, नमक आपके मसूड़ों को मजबूत बनाता है और आपके जो दांतों में से खून निकल रहा होता है ये उस समस्या को भी खत्म करता है, जिससे कि आपके दांत मजबूत बनते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको चुटकी भर इसके अंदर नमक का इस्तेमाल कर लेना है, कुछ इतनी सी मात्रा में आपको इसके अंदर नमक ऐड कर लेना है। अब आपको इसके अंदर तीसरी चीज का जो इस्तेमाल करना है वो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो है दोस्तों लहसुन की 4 कच्ची कलियां। दोस्तों, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके मुंह की गंदी बदबू को दूर करता है और आपके दांतों को सफेद बनाने में आपकी सहायता करेगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से 4 लहसुन की कच्ची कलियां ले लेनी है और उन्हें कुछ इस प्रकार से आपको पीस लेना है। पीसने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इसका पेस्ट इसके अंदर ऐड कर लेना है। आपको इसके अंदर लास्ट और आखिरी चीज का जो इस्तेमाल करना है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है दोस्तों हमारा ये बेकिंग सोडा। दोस्तों, बेकिंग सोडा आपके दांतों में से जिद्दी पीलेपन को, पुराने से पुराने जिद्दी पीलेपन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेगा और आपके दांतों को बेहद ही सफेद व सुंदर बना देगा। तो आपको इसके अंदर चुटकी भर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है, कुछ इतनी सी मात्रा में आपको बेकिंग सोडा लेना है और इसके अंदर ऐड कर लेना है। अब आपको करना क्या होगा, आपको इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये एक पेस्ट की फॉर्म में बनकर कर आ सके। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे किस प्रकार से अपने दांतों पर इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, हमारा ये पेस्ट बनकर कर हो चुका है तैयार। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए लेना होगा कुछ इस प्रकार से एक टूथब्रश, और आपको इसकी सहायता से इस पेस्ट को लेना है और अपने दांतों पर रेगुलर मात्र 5 दिनों तक इसे अपने दांतों पर इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप डेली अपने दांतों को किसी कोलगेट की सहायता से साफ करते हैं, ठीक उसी तरह आपको इस पेस्ट का इस्तेमाल करना है। और जब तक आप इस पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको किसी भी कोलगेट की सहायता से अपने दांत को साफ नहीं करना, केवल आपको इस पेस्ट का ही इस्तेमाल करना है। मात्र 5 दिनों तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके दांतों में से वो सभी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं जिससे आप परेशान थे, जैसे कि आपके पीले दांतों की समस्या खत्म हो चुकी है, आपके गंदे पीले दांत मोतियों की तरह सफेद हो चुके हैं
और आपके मुंह की गंदी बदबू भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुकी है, और आपके दांतों पे से जिद्दी पायरिया जैसी समस्या भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। तो दोस्तों यह था हमारी तरफ से आज का नुस्खा। अगर नुस्खा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी बेहतरीन नुस्खे आप सबसे पहले देख पाएं।